हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमने जैसे कल बात करी थी, हम लोग ये आखिरी दिन है जिस दिन हम मीम टोकन्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके आगे हम मीम टोकन्स के बारे में एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन हम बात नहीं करेंगे। मीम टोकन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मीम टोकन है जिसमें हमने कभी भी वीडियो नहीं बनाई, उसकी आज वीडियो हम बना रहे हैं। एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें आपको पता चलेगा कि मुझे इस कॉइन के बारे में कैसा पता चला था एंड क्या इसमें वो है जो इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है आप लोगों को, मुझे एंड सब लोगों को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आ जाते हैं अपने कॉइन जीको ऐप में। हम खोल लेते हैं किशू आई न्यू। किशू आई न्यू का चार्ट अगर आज की डेट में हम देखें, ये अप गया 22.4%। एक्सचेंजेस काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस में अवेलेबल है, बट प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस में अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बाइनेंस, हुबोई ग्लोबल या कॉइनबेस, जिसमें शिबा अवेलेबल है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बाई एनी चांस, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी एक्सचेंजेस में अभी अवेलेबल है। आप जाके आराम से गेट आयो से भी परचेज कर सकते हो, बिग वन से भी एक्सचेंज कर सकते हो आप बड़े ईजीली। प्राइस चार्ट में वापस आ जाते हैं। लास्ट 24 आवर्स का हमने देख लिया है, लास्ट वन मंथ का अगर हम देखें तो जो वन मंथ का टॉप था उससे थोड़ा नीचे आया, बिकॉज सारी मार्केट ही ऐसा कर रही है। इसमें खाली किशू की फॉल्ट नहीं है, सारी मार्केट ही ऐसा चल रही है। लास्ट 3 मंथ्स में देखें तो बहुत ऊपर से नीचे आया। इट इज़ द राइट टाइम टू बाय किशू आई न्यू एंड मीम टोकन्स परचेज करने का वैसे भी कोई करेक्ट टाइम नहीं होता। इनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है। किशू आई न्यू की पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँगा थोड़ी देर में, मैं आपको बताऊँगा क्या लोग हैं एंड मुझे खुद किशू आई न्यू के बारे में कैसे पता चला था। 1 ईयर की अगर हम बात कर लें तो 1 ईयर में ये मई के आसपास ये लॉन्च हुआ था एंड वहाँ से अभी चल रहा है सितंबर। तो ऑलमोस्ट अगर हम बीच का ये जंप छोड़ दें तो ऑलमोस्ट एक साइड में मूवमेंट रहा है इसका। अब आ जाते हैं नीचे। लास्ट 60 डेज में -0.0%, तो बेसिकली इक्वल रहा है। 30 डेज में 6.2%, 14 डेज, 7 डेज एंड 24 आवर्स में ये अप गया है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की इसका हम बात कर लें तो ये ईथ, हारमोनी एंड फैंटम तीनों में अवेलेबल है, तीनों के कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है। मार्केट कैप अभी 0 दिखा रहा है। 24 आवर्स हाई और 24 आवर्स लो देख सकते हो, आगे कितने 0 हैं वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना प्लीज़। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंस ऑल टाइम हाई ये अभी नेगेटिव चल रहा है 95%, सिंस ऑल टाइम लो ये अप चल रहा है 989%, जो कि अच्छा खासा पंप है। ये पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं उसमें भी आएंगे अभी थोड़ी देर में, पहले चलते हैं इसके इन्फो में। इन्फो में नीचे देख लेते हैं। किशू वॉज क्रिएटेड इन अप्रैल 2021, सॉरी मैंने पहले मई बोल दिया था, अप्रैल 2021, विद द गोल ऑफ बींग डिसेंट्रलाइज मीम प्रोजेक्ट विद ट्रू पर्पज। मीम टोकन, जो कॉइन अपने आप को मीम टोकन बोल के बेचते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज दे आर वेरी क्लियर। बहुत सारे ऐसे मीम टोकन हमने देखे हैं जो बोलते नहीं हैं कि हम मीम टोकन्स हैं एंड वो बहुत कुछ बताते हैं अपने आप को। किशू'स मिशन इज टू ब्रिंग पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी कॉन्सेप्ट्स टू द मेनस्ट्रीम। अनलाइक ओल्डर कंपेरेबल प्रोजेक्ट्स, किशू इंट्रोड्यूसेस होल्डर्स टू नेक्स्ट जेन कॉन्सेप्ट्स सच एज फ्रिक्शनलेस यील्ड, NFTs, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एंड मोर। NFT जहाँ पे आ जाता है ना, जो क्रिप्टो करेंसी NFT की बात करती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है बिकॉज क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कहीं ना कहीं NFT ही है। ये बहुत सिंपल है, आप लोग भी अगर ये सोच रहे हो तो आगे जाके NFTs बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाली है मार्केट में। ERC-20 टोकन दैट फीचर्स 2% रीडिस्ट्रीब्यूशन फीस टू दी होल्डर्स, सो एवरी टाइम अ ट्रांजेक्शन अकर्स एग्जिस्टिंग होल्डर्स अर्न मोर किशू ऑटोमेटिकली। सो बहुत सिंपल है, जैसे कि बाकी मीम टोकन्स में होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें 2% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी सबको। अब बात कर लेते हैं कि किशू के बारे में हमें कैसे पता चला था। इसका होम पेज आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, फिर भी हम एक बार खोल लेते हैं जस्ट फॉर लाइक 2 मिनट्स। लिटिल मीम बिग ड्रीम, किशू अपने आप को ज़्यादा बड़ा बताता नहीं है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इंस्टेंट यूजेज रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगर आप इनकी वेबसाइट में नीचे की साइड देखते हो, सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे आपको इतनी सारी लैंग्वेज मिल जाती है। मुझे पता नहीं है कि ये करते ही कुछ चेंज होगा, तो ये करते ही इनकी पूरी वेबसाइट चेंज हो जाती है एंड वो हिंदी में या कोई भी और लैंग्वेज जिसमें आप देखना चाहते हो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अभी के लिए हम वापस इसको कर लेते हैं इंग्लिश। एंड तो यहाँ पे आके आप इतनी पूरी वेबसाइट देख सकते हो, रीसेंट स्टोरीज एंड बहुत कुछ करता है ये क्रिप्टो। किशू आई न्यू के बारे में बहुत ज़्यादा हल्ला है। मीम टोकन्स वही परचेज करने चाहिए जिनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है एंड किशू आई न्यू की नो डाउट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। किशू आई न्यू मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है एंड मुझे किशू आई न्यू का कैसे पता चला था उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर टू गेट किशू,
यहाँ पे इन्होंने सारे जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनकी फोटोग्राफ लगा रखी है, टिक नंबर्स एंड स्टार्ट्स के बारे में बता रखा है। तो आई एम श्योर ये सबको पता होगा बिकॉज किशु आइनू की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। अब बात कर लेते हैं मुझे कैसे पता चला, तो उसके लिए आ जाते हैं ट्विटर हैंडल में। एंड ट्विटर हैंडल में जैसे ही आप कहीं पर भी जाते हो आपको कहीं ना कहीं किशु दिख जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको किशु दिखाई देगा। एंड किशु दिखाई दे रहा है मतलब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं मतलब इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कम्युनिटी स्ट्रांग है का मतलब इसका प्राइस सर्च हो सकता है, लोग इसको ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। एंड यस, जैसे लोग ज़्यादा परचेज करेंगे ऑब्वियसली प्राइस इसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर आप अपना ट्विटर साइड में रख दो एंड उसके बाद वापस खोलोगे तो उसके बाद भी आप देखोगे बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करेंगे। बाइनेंस यूएस ने भी लिखा था, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो यू वॉन्ट किशु लिस्टेड, डिड यू नो यू कैन सेंड अस द इन्फॉर्मेशन बाय चांस टू विन सम बाइनेंस यूएस स्वैग, एंटर द स्वीपस्टेक हियर। सो किशु की बात बहुत सारी जगह चल रही है, किशु के कई ऐसे सपोर्टर्स हैं जो कॉइन बेस से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने शिबा को लिस्ट कर दिया, हमें क्यों नहीं लिस्ट करा है अभी तक, वो आंसर करो। तो यस, जितनी इसकी बातें चल रही है, जितनी स्ट्रांग इसकी कम्युनिटी है, आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत जल्दी ये बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस में लिस्ट हो सकता है, बहुत जल्दी लिस्ट होगा भी। इसके अगर हम लेटेस्ट ट्वीट्स में चले तो किशु के बारे में आपको हर दूसरी या तीसरी जगह आपको एक मेम फोटोज मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हुए मिल जाएंगे। किशु का प्राइस प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि ट्विटर में लोग क्या कर रहे हैं। सो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है किशु प्राइस प्रेडिक्शन एंड यहाँ पे हम कर देंगे सर्च, तो यहाँ पे आ जाएगा किशु का प्राइस प्रेडिक्शन। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये बोलते हैं माई प्राइस प्रेडिक्शन फॉर किशु फॉर फेब्रुअरी 22 इज $0.000008। सो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन मिल जाएगा। किशा आइनू ने खुद करा था, वहाँ पे लोग इसका प्राइस प्रेडिक्शन दे रहे हैं 0.00001 इन 6 मंथ्स एंड 38% 37% ने एक और जीरो आगे से हटा दिया। तो ये जनरली होता है बिकॉज किशु आइनू जो भी ट्वीट करेगा उसमें जो भी आंसर्स आएंगे वो किशु आइनू के फेवर में ही आएंगे, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज योर प्राइस प्रेडिक्शन फॉर किशु एंड 1 सेंट 71% लोगों ने दिया है, $1 भी दिया है कई लोगों ने, 15% लोगों ने, $5 तक दिए हैं 6% लोगों ने, 2 सेंट दिए हैं 8% लोगों ने। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्राइस प्रेडिक्शन है, ऑब्वियसली मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ कि $1 और $5 तक जाएगा, 1 सेंट भी चले जाए तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके टेलीग्राम ग्रुप की। तो यहाँ पे इसके ग्रुप में जैसे ही आप आते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। टेलीग्राम ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक कॉइन के बारे में बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फट भी फैलाते हैं उसमें, बट वहाँ पे वो एडमिन उसको हटा देता है। सो यहाँ पे थोड़ी लॉजिकल बातें होती हैं, लोगों एक दूसरे से कहते हैं। किशु आइनू जो भी अपडेट देता है या कोई भी टोकन अपना कोई भी अपडेट देता है सबसे पहले वो देता है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर हम इसके मेंबर्स देख लें तो 49,663 मेंबर्स हैं जिसमें से 4,610 अभी करेंटली ऑनलाइन बैठे हुए हैं। कम्युनिटी अच्छी है मीम टोकन्स को, और कुछ नहीं चाहिए होता, उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके बारे में हल्ला होना चाहिए मार्केट में। ट्विटर एंड टेलीग्राम जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा हल्ला है, यूट्यूब आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एंड यस इट इज़ गोइंग स्ट्रांग। मैं भी इसको परचेज कर रहा हूँ फ्रॉम गेट आयो। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी परचेज कर सकते हो, अपनी रिसर्च खुद कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग एनी ऑफ द कॉइन जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मेरे भरोसे इन्वेस्ट करो एंड कल की डेट में आप बोलो कि बहुत ज़्यादा ही प्राइस बढ़ गया है या बहुत ज़्यादा प्राइस डिप हो गया। आप लोग अपनी रिसर्च कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दी क्रिप्टो जो मैं बता रहा हूँ या कोई और क्रिएटर आपको बता रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, बिकॉज वो हमारे लिए एक सपोर्ट बनता है। तो गाइज विद दैट सेड आज का वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।